अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिमी शाह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिमी शाह विद पॉलिटिकल साइंस। ये आज हम बात करेंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर है हमारे पास, ये 6 और पार्ट 2 का पहला पेपर है लाजमी, ठीक है। इसमें इसका नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। इसमें पहला जो हमारे पास पॉलिटिकल सिस्टम आएगा इसके अंदर, वो है यूके का, बरतानिया का, उसके बाद अमेरिका का, और उसके बाद चाइना का, और उसके बाद हमारे पास तुर्की का। ये चार ममालिक हैं जिसका इसमें डिस्कस करना है। इसमें क्वेश्चंस आंसर आए हुए हैं, ये हमारा कंटेंट लिस्ट है, ये हमारा सिलेबस है। इसको आप देखें, इसमें बरतानिया का है, इसमें पॉलिटिकल हेरिटेज आया हुआ है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल ग्रोथ आई हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल फ्रेमवर्क आया हुआ है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आया, पार्टी पॉलिटिक्स सर्व कराया हुआ है। ये मतलब आपके सामने कंटेंट है, ठीक है। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके अपलोड होगी, उसमें इस कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम के जो पास्ट पेपर हैं उनको मैं एनालिसिस करूँगी, और उसमें मैं बताऊँगी कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है और वो कौन सा बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करना मत भूलें, और कमेंट्स ज़रूर कीजिए, और बेल के बटन पर दबा दें ताकि जो भी मेरी वीडियो आए वो आप तक पहले पहुँचें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और अगर इसकी कंटेंट की और यूट्यूब की, ये पास्ट पेपर्स की जितनी भी पिक्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरे फेसबुक का पेज है सिमी शाह विद पॉलिटिकल साइंस के लिहाज से, नाम से है वहाँ पर, आप वहाँ जाएं और वहाँ से आप ये सारी पिक्स और ये सारे मतलब कंटेंट और पास पेपर के लिहाज से जितने भी पिक्स वगैरह होंगे वो वहाँ अपलोड हो चुकी हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। शुक्रिया। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।